हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इसके फोटोज मुझे आ गए थे, मैं आपको बन गया दिखाती है, हूँ बट अभी। ये सारे एडिटेड नहीं है। हमें इसमें से सिलेक्ट करना है ओनली 18 पिक्चर्स जो एडिट के लिए जाएगा। तो आई शो यू सम ऑफ देम। ये अराउंड 200 पिक्स है। सी देखिए, हियर इज माय प्रिंसेस। मैंने आपको शूट का भी वीडियो शेयर किया था, फोटोज देखे। कुछ कुछ तो काफी अच्छे लग रहे हैं, जो सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि यार मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, मैं कौन सा लूँ। बट कुछ भी हो, एनी हाउ सेलेक्ट तो सिर्फ 18 ही करना है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। पैकेज बाउंडेड है, इससे एडिशनल अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा चार्ज करेगी। हाँ, तो मतलब भी नहीं बनता ना ज़्यादा का। ये देखिए इसका रिएक्शन, ओह माय गुडनेस, लव इट। ये फोटो को तो जरूर देख रहे हैं। लवली पिक्चर, शी इज स्माइलिंग एंड बहुत क्यूट, बहुत प्यारा पिक्चर। और एक दो पिक्चर मुझे इसके भी काफी अच्छे लगे। ये है यूनिकॉर्न वाला थीम, इसमें तो खैर बहुत ज्यादा स्माइली कर रही थी। इसके सर पे ये टियारा भी काफी प्यारा लग रहा है। एज ए मदर यार, बच्चों का ना, मतलब खुद के बच्चे का हर एक पिक्चर सब अच्छा लगता है। आई डोंट नो ये मतलब दूसरे लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा पिक्चर ज्यादा अच्छा है। बिकॉज एज ए मदर मुझे तो सारे पिक्चर ही इसके अच्छे लग रहे हैं। मैं क्या सिलेक्ट करूँ यार, आई एम सो कंफ्यूज। ये दूसरा थीम बोला था, ये मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में, ये वाला मेरे पास एक्चुअली इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था तो ये मैं आपको शेयर नहीं कर पाई। मेरे साथ वाला भी है, ये देखिए। मैं एक्चुअली उसको इंटरटेन करने में इतना बिजी हो गई थी, बिकॉज वो कुछ और रिएक्शन नहीं दे रही थी, तो इसलिए वो यूनिकॉर्न वाला थीम था, मैं वीडियो नहीं ले पाई। ये देखो, डैडी लिटिल गर्ल। तो मैं ये अभी तो मैं इससे सेलेक्ट करूंगी और मैं शेयर करूंगी। तो जो एडिटेड वाले होके आएंगे वो भी मैं आपको शेयर करूंगी वीडियो। हम जो इसका फ्रेम बनाएंगे, और जस्ट मैं एक्चुअली सोच रही हूँ घर पे भी, लाइक मेरे अपने होम टाउन में भी इसका फ्रेम बना के बड़ा सा लगाने का, तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। उसके साथ के फुटेजेस मैं आपको शेयर करूंगी, आई मेक श्योर। इसके पिक्चर मैंने देख लिए थे, कुछ कुछ सेलेक्ट कर लिए थे। तो वो करने के बाद मैं सोचा इसका लंच बना दो, बिकॉज़ वो उस टाइम सो रही थी। तो थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, इसका लंच बना दूंगी तो ये उठेगी तो आराम से खा पाएगी, वरना फिर लेट हो जाएगा इसको। ये कुछ देर बाद ही उठ गई थी, तो अराउंड ये 1-1.5 घंटा या 2 घंटा ही ऐसे ही सोती है, कुछ फिक्स नहीं रहता है, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम। तो उठते ही एकदम से इसको खाना नहीं देती हूँ, लाइक पानी देती हूँ एंड फ्रूट्स वगैरह देती हूँ, उसके 1 घंटे बाद खाना देती हूँ, बिकॉज़ खाना भी गर्म होता है। तो ये ऐसे ही मतलब खेल खेल के खाती है, इससे उसको भी थोड़ा सा समझ में आता है कि कैसे खुद से खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अच्छा कंटेंट आपको और दे सकूं और आपको एंटरटेन कर सकूं। अगर कुछ फीडबैक है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो।
और अगर कुछ क्वेश्चन है वो भी आप डाल सकते हो। ये देखिए, प्यारी सी गुड़िया अंदर घुस रही है टेबल के नीचे, और कभी कभी वो वैसे ही फंस जाती है, मुझे बाद में पता चलता है, मतलब थोड़े देर बाद में ही, जैसे 3-4 सेकंड बाद, कि अच्छा ये, क्योंकि बीच बीच में खाना बनाते बनाते ना मैं उसको देखना भी पड़ता है, और जब भी फ्रिज खुले ना ये फ्रिज के पास आ जा के बैठ जाती है, जैसे कि मैं खाना बना रही हूँ फ्रिज कभी खोला तो आते वहीं पर आके बैठ जाएगी। इस रूम में हमने नीचे भी मैट्रेस लगा रखा है ताकि इसको थोड़ा सा खेलने का भी वो मिल जाए। सही थोड़ा सा खत्म होने के बाद मैं इसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, इसको ढेर सारी किसीज करती हूँ और इसको स्विंग में बिठाती हूँ। इसको स्विंग में बैठना बहुत पसंद है, शी लव्स इट। इसका बस चले वो नीचे ही ना उतरे तो ज़बरदस्ती फिर मुझे नीचे उतारना पड़ता है कि नहीं बेटा आपका खाने का टाइम हो चुका है, तो ये खुद भी बैठेगी, अपने टेडी को भी लेके बैठेगी, मतलब कुछ भी हो इसको एक ना साथ में टॉय हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, ऐसा है इसके साथ। बच्चे इतने प्यारे होते हैं ना, इतने इनोसेंट होते हैं, तो फिर क्या कैसे रिएक्ट करें बड़े, समझ ही नहीं आता है इनके सामने। तो इसी तरह से मेरा टाइम जाता है, धीरे धीरे मैं और भी चीज़ें आपको शेयर करूँगी, ये तो कुछ कुछ ग्लिम्स है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है वैसे इसके साथ खेलने में, बट कभी कभी खुद भी इतना टायर्ड होती हूँ कि मैं नहीं, मतलब चाह के भी नहीं खेल पाती हूँ इसके साथ, तो ऐसे ही मेरा दिन जाता है। और भी जो फन पार्ट है मैं धीरे धीरे वो सारे शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए उसको झूला, अकेले झूलना था। थैंक यू सो मच फॉर।